गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बायोलॉजी के एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि बेस्ड हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से रिलेटेड। तो पार्ट टू है ये। अगर आपने पार्ट नहीं वन नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन में जाओ, जाकर देखिएगा ऊपर, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो नीट, HPTET, HPTST, HPST एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप उसको जो वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको हर एक वीडियो का लिंक, हर एक जो PDF आपको वहां पे मिल जाती है, हर एक नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाती है। एंड अगर आज के लेक्चर के आपको बायोलॉजी MCQs पढ़ने हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, तो आप shubhamjketrickblogspot.com के ऊपर जाकर जाओ देख सकते हैं उनको, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है जरूर। और आपको ये भी बताना है कि आपके 10 में से जाओ कितने मार्क्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एंड डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। देखो, इन चारों में से कौन सा जो इसेंशियल नहीं है और वो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में जो बेसिस जो नहीं बनता है, ठीक है, उसको जो नहीं कैटेगराइज किया जाता है। तो याद रखो चार ऑप्शन यहाँ पे, इनमें से आपको जाओ आंसर जाओ करेक्ट आंसर जाओ बताना है, ठीक है, कौन सा है इनमें से। देखिए तीन आपको जाओ सही लगेंगे जो आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टडीज में आप जाओ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक जाओ आपका गलत है, जिसको हम जाओ इसेंशियल नहीं मानते मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में। तो इसका आंसर आप जाओ कमेंट सेक्शन में जाओ जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका जाओ क्वेश्चन ऑफ द डे है, लास्ट में इसका आंसर आपको बता दूंगा। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज फॉल्स इन बिटवीन। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि जितनी स्पीशीज अभी हाल ही में जाओ प्रेजेंट है, जिसको फाइंड आउट किया जा चुका है, वो कितनी है, उनकी जो रेंज है वो कितनी फॉल करती है। तो याद रखो उनकी जो रेंज है वो 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास जो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी जो रेंज है वो इसी के बीच में देखने को मिल रही है, 1.7 to 1.8 मिलियन के रेंज के बीच में। इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कि जितना बड़ा एरिया होगा, ठीक है, जितना ए लार्ज एरिया होगा तो वहां पे जाओ ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीशीज भी जाओ होंगी, ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीशीज भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक लार्ज एक फॉरेस्ट में जाते हो तो याद रखना है वहां पे जाओ बहुत सारी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो अभी याद रखना है 1.7 to 1.8 मिलियन के आसपास जाओ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज आपको देखने को मिल रही है। और देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज क्या बोलते हैं आप, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं अर्थ में, तो वो बायोडाइवर्सिटी है। और सबसे जाओ घनी बायोडाइवर्सिटी आपको जो देखने को मिलती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, ठीक है, वहां पे आपको अमेजोन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जस्ट सबसे ज्यादा जो है घनी आबादी जाओ फॉरेस्ट्री की देखने को मिलती है, ठीक है, सबसे जाओ डेंस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और याद रखना है कि जो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह आता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रेजेंट स्पीशीज, ठीक है, रिप्रेजेंट देश, तो आंसर क्या आएगा, स्पीशीज, क्या आएगा उसका आंसर, स्पीशीज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास जो यहाँ पे रेंज फॉल करती है नंबर ऑफ स्पीशीज की। एंड बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ ICBN, ICBN की जो करेक्ट एब्रीविएशन यहाँ पे पूछी गई है। सिंपल ध्यान देंगे, कोई भी आप जाओ कोई भी स्पीशीज आप फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले उसको क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो, क्या करते हो उसको, आइडेंटिफाई करते हो, तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पहला टाइप रहता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप पहले जो आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो आप क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है, उसको उसके करेक्टर्स के आधार पर जो क्लासिफाई करोगे आप,
ठीक है, ऑब्जर्व करोगे उसके कैरेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद आप नोमन क्लेचर करते हो, तो नोमन क्लेचर का मतलब होता है नाम संस्करण करना। तो याद रखना है एक है ICBN और एक है ICZN, तो इनकी फुल फॉर्म क्या क्या है। तो यहां पे देखिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमन क्लेचर ICBN की जाओ फुल फॉर्म देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल बॉटनिकल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, वो प्लांट स्पीशीज के जाओ साइंटिफिक नेम्स के लिए जाओ जाना जाता है, नोमेनक्लेचर के लिए जाना जाता है। उसी तरह से याद रखो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म आती है ICZN की, जूलॉजिकल यानी कि एनिमल स्पीशीज के जाओ नोमेनक्लेचर करना आपको यहाँ पे इससे फाइंड आउट हम करते हैं। तो ICBN की अगर फुल फॉर्म है तो यहाँ पे ये यह है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉर्मल कल्चर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये संस्थाएं हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट। देखिए एक सिस्टम पूछा गया है जिसके थ्रू हम जाओ नेम को प्रोवाइड करते हैं और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं आप, ध्यान देना है। तो जो बाइनोमियल नॉर्मल कल्चर है वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करते हैं, तो वो इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, क्या आते हैं, दो कंपोनेंट आते हैं, जीनस, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक एपिथेट को या जेनेरिक नेम को, और एक है स्पीशीज जो कि रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पे देखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें पहला जो नेम होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस का होगा, सेकंड नेम क्या होगा, स्पीशीज का होगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूं मैं, क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए हम जाओ किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोकल नेम से जानते हैं, हर एक जगह जाएंगे आप किसी भी रीजन में जाएंगे तो वहां पे किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम जाओ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे इसको ऑर्गेनिज्म को ये बोला जा रहा है, कहीं और जाके इसको ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको जाओ बाइनोमियली नोमेनक्लेचर जाओ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जाओ साइंटिफिक नेम जाओ देने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर आया कि बहुत सारे जाओ यहाँ पे जाओ स्पीशीज जनरिक इस तरह से जय नेम डाल दिए, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी आ रही थी, तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जय लेकर आए, तो ये याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें दो कंपोनेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जीनस और स्पीशीज, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिएगा द टू कंपोनेंट सिस्टम, जो टू कंपोनेंट सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा जाओ दिया गया है। तो याद रखना है वो दिया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो दो कंपोनेंट सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वो दिया गया है साइंटिस्ट जो कैरोलस लिनियस के द्वारा, इसी के द्वारा याद रखना है सिस्टमैटिक्स दिया गया है, ठीक है, इसी के द्वारा याद रखना है टैक्सोनॉमी की जो दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसी के द्वारा जो बुक थी सिस्टमा नेचुरा ये दी गई है, और एक आपकी जाओ स्पीशीज प्लांटरम, इसके द्वारा ही जाओ कैरोलस लिनियस के द्वारा जाओ लिखी गई है। स्पीशीज प्लांटरम में जो बॉटनिकल नेम है प्लांट्स के वो लिखता है ये, सिस्टम एंड नेचुरा में ये जो जोलॉजिकल नेम होते हैं एनिमल्स के बारे में वो ये यहाँ पे ये कैरोलस लिनियस जाओ लिखता है, इसको याद रखना है। जॉन रे ये टर्म देता है स्पीशीज की, ठीक है, स्पीशीज टर्म देता है, और याद रखना है कि ये मोनोकोटिलेडन और डायकॉट जो टर्म थी वो भी जो कैटेगराइज जाओ करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो डब्ल्यू जी रोजन है वो बायोडाइवर्सिटी जाओ टर्म देता है, एंड याद रखना है एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी है एंड जूलॉजी भी है, ठीक है, और याद रखेंगे एक और साइंटिस्ट का नाम एडोल्फ मेयर, ये टैक्सोन जो वर्ड है वो कॉइंड करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में आया था, एडोल्फ मेयर गिव द टर्म टैक्सन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो टू कंपोनेंट सिस्टम है
जिसमें जेनरिक और स्पेसिफिक नेम देखने को मिलते हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, वो कैरोलस लिनस के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिटेल वाइज क्वेश्चन एक दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही रिलेटेड जाओ यहाँ पे स्टेटमेंट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो क्या इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, क्या वो लेटिन में लिखे जाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो जनरली याद रखना है कि वो इटैलिक्स में रिटर्न होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लेटिनाइज होते हैं, लेटिन भाषा के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको जो लिखते हैं इटैलिक्स में, और जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं उसको हम जाओ सेपरेटली अंडरलाइन जाओ करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन जाओ करते हैं। और याद रखो जीनस का जो नेम है वो फर्स्ट नेम है और उसका जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल लेटर से जाओ स्टार्ट होता है, एंड स्पेसिफिक जो नेम है वो सेकेंड अक्षर है, सेकेंड वर्ड है, और उसके जो फर्स्ट अक्षर है, फर्स्ट वर्ड है, वो आपका जाओ स्मॉल लेटर से जाओ स्टार्ट होता है। तो देखिए बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स, नहीं वो इटैलिक्स में नहीं होता, लेटिन भाषा में है, और जो बायोलॉजिकल नेम्स होता है वो रिटर्न जो किस में होते हैं, इटैलिक्स में। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ए और बी। ठीक है, अब देखो जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो उसका जो नेम है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, नहीं होता वो स्टार्ट, वो स्मॉल लेटर से जाओ स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे जाओ गलत है, ओनली सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स है हम उसको जो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, सी स्टेटमेंट राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज जरूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है आपको उसका आंसर जरूर देना है। और एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी बायोलॉजी में आपको यहां से जाओ काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अंडर विच प्रोसेस एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। देखो हम किस प्रोसेस के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में जाओ ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऑब्जर्वेबल कैटेगरी करेक्टर्स के आधार पर। तो याद रखना है वो है क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि इसके आधार पर जहां हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप्ड जॉब कर सकते हैं उसके ऑब्जर्वेबल कैटेगरी करेक्टर्स के आधार पर। ठीक है, याद रखना है ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एलेस्टियंस इज द स्पीशीज ऑफ, जो एलेस्टियन है वो किसकी स्पीशीज है। तो याद रखेंगे एलेस्टियन एक तरह से जर्मन शेफर्ड को बोला जाता है, जर्मन शेफर्ड को बोला जाता है, तो ये डॉग की स्पीशीज है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो राइट आंसर है। अब ये आपको याद रखना है कि जितने भी डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, वीट हैं, राइस है, प्लांट्स हैं कोई भी, या फिर एनिमल्स हैं, हम उसको जाओ उनके ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स के आधार पर जाओ डिनोट करते हैं, क्लासीफाई जाओ करते हैं, याद रखना है। अब देखिए डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज एंड रिप्रेजेंट। देखो ये क्या है, सारी की सारी कैटेगरीज हैं, क्या है ये, सारी की सारी कैटेगरीज हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, टैक्सा को रिप्रेजेंट करती है ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूछा गया व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सा, तो टैक्सोन उसकी जो प्लूरल फॉर्म है, और इसको जो किसने नामकरण किया है, एडोल्फ मेयर ने इसको जो नामकरण जो किया हुआ है। तो देखो पिछली बार क्वेश्चन आया था मेज इज अ, मेज क्या है, वो एक टैक्सा है, क्या है वो, टैक्सा है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है टैक्सोन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, प्लूरल ऑफ टैक्सा और कॉमा में टैक्सोन भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये इसका टैक्सोन भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो मेज क्या है, एक तरह से टैक्सा है, डॉग्स क्या है, टैकेट्स क्या है, मैमल्स क्या है, वीट क्या है, राइस प्लांट्स क्या है, वो टैक्सा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, एचपी टेट, एचपी टीजीटी वगैरह में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टीजीटी मेडिकल वगैरह, पीजीटी मेडिकल वगैरह में इस तरह के आपको जो काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अभी देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट टैक्सा एट सेम लेवल, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रेजेंट करते टैक्सा को सेम लेवल पे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल नहीं सही होगी। ठीक है, तो देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, तो ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट सही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो उनको हम डिफरेंट टैक्सा के आधार पर जाओ क्लासिफाई जाओ करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है गया, ये मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, इसमें याद रखना है आपको कि जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी में आपको याद रखना है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए हम क्या क्या जाओ करेक्टर्स लेते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एंड डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टडीज, तो कौन सा इसेंशियल नहीं है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए और वो बेसिस नहीं माना जाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। तो याद रखना है सेपरेट ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर एज, ये आपका जाओ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में जाओ बेसिस जाओ नहीं माना जाता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बल्कि अगर हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ऑर्गेनिज्म का वो मॉडर्न टैक्सोनॉमीज में स्टडीज में हम बेस मानते हैं उसको इसेंशियल मानते हैं। किसी भी सेल का स्ट्रक्चर हम जो है उसको मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में जो इसेंशियल मानते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस जितने भी है उसको जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में हम जाओ बेसिस मानते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनिज्म की उसको भी जाओ हम बेसिस जो मानते हैं। तो सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी जाओ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में जाओ कैटेगराइज जाओ बेसिस जो मानी जाती है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन ये बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये थे आज आपके क्वेश्चंस, आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो ये आपको आंसर की है आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड जितने भी जो है वो आपको लेक्चर्स हैं जो भी क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर के वो आपको मिल जाएंगे शुभम जीके ट्रिक blogspot.com पर। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा तो वहां से भी आप जाओ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, आज की वीडियो बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।